हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कम समय में हेल्दी और टेस्टी नाश्ता कैसे बनाएं। तो यहाँ मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं और इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके मैंने इसमें मेथी और जीरा भी डाल दिया है। तो जीरा अच्छे से जब चटक जाएगा तब हम इसमें अदरक और मिर्ची, जैसे हम तड़के लगाते हैं वैसे हमें करना है। तो अदरक और मिर्ची अच्छे से थोड़ी सी सुनहली हो जाएगी, फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो मैंने दो छोटी प्याज इसमें कट करके डाल दी है और साथ ही मैंने दो टमाटर इसमें यूज़ किया है। तो टमाटर अच्छे से पके हुए थे तो ये भी अच्छे से दो मिनट तक चलाने के बाद यहाँ मैंने डाल दिया है कैप्सिकम, इसको मैंने थोड़ा लंबा कट किया है। और इसके साथ हम सब्जियों में डालेंगे ऑरिगेनो, टोमेटो केचप और सोया सॉस। तो आप देख रहे हैं कि मैं भी इसको मीडियम फ्लेम पे ही पका रही हूँ। यह मैंने केचप डाल दिया है। आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी सब्जियाँ चूज़ करें जो जल्दी से पक जाए और हेल्दी भी हों। तो अगर आप इसमें आलू का यूज़ करेंगे तो थोड़ा समय लेगा। तो यहाँ मैंने टोमेटो केचप और सोया सॉस को भी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, करीब एक चम्मच और आधे चम्मच, और ऑरिगेनो को भी हम आधे चम्मच डाल देंगे। आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं ऑरिगेनो, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स को आप अगर डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं इसमें। इससे बेसिकली थोड़ा सा पिज़्ज़ा के ऊपर वाला जो सब्जियों का टेस्ट होता है वो टेस्ट इसमें आ जाता है, और खाने में भी टेस्टी होता है और जल्दी भी पक जाती हैं सब्जियाँ। अब हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार इसमें। तो ये सब्जियाँ बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, बस आपको सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने का समय चाहिए। बाकी ये सब्जियाँ बहुत ही टाइमली पक जाएंगी। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जल्दी जल्दी इसको पका सकते हैं। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है, आधे छोटे चम्मच मसाला मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो घर का सब्जी मसाला, कोई भी सब्जी मसाला थोड़ा सा चुटकी भर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब ये ऑलमोस्ट पक चुकी है सब्जियाँ, तो कैप्सिकम को 60% तक पका लेना है। और सब्जी रेडी होने के बाद यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिया है एक कप मैंने आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है आधे छोटे चम्मच, और आधे छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन के साथ हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया, और धनिया के साथ मैंने यहाँ 4-5 कली लहसुन को अच्छे से छील के कूट लिया था मानदस्ते में। अब इसको भी हम इसमें मिला देंगे। तो ये बेसिकली हम गार्लिक पराठा के लिए हम थोड़ा सा पतला सा घोल तैयार करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खाने वाला सोडा। ये सोडा मैंने एक छोटे चम्मच ऐड किया है इसमें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे करीब 1.5 चम्मच के आसपास तेल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका पराठा सॉफ्ट बनेगा और काफ़ी खाने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका घोल तैयार करेंगे। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जी नहीं पकानी है तो आप इस पराठे को आप चटनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी ये आपका पूरा नाश्ते का काम करेगा। और इसके बाद मैंने लोहे के तवे पे मैंने यूज़ किया यहाँ लोहे का तवा, आप चाहें तो नॉनस्टिक बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल नीचे फैला दिया था और उसके बाद हम इसका घोल अच्छे से एक शेप देते हुए, रोटी का शेप देते हुए उसको गोल 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 फैला देंगे, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको उलट पलट के सेक लेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी गीला है, बट आप धीरे धीरे जब इसको उलट पलट के सेकते रहेंगे तो ये रोटी की तरीके से फूल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी मैंने इसको साइड से कॉर्नर्स पे अच्छे अच्छे से दबा दबा के इसको सेका है, तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए कि आप अच्छे से इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा समय दे दें और ये पराठा एकदम रेडी हो जाएगा, टेस्टी और सॉफ्ट रहेगा।
तो आप देख सकते हैं वीडियो में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये फूल रहा है अंदर से, पूरा घोल से ही आपको, आटा गूंथना भी नहीं है आपको, रोटी का पूरा आकार आएगा इसमें, रोटी की तरीके से पूरा बनेगा। तो यहाँ मैंने एक पराठा सेक लिया है और ऐसे ही हम बाकी के भी पराठे सेकेंगे। तो आपको इसमें जल्दी बहुत नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा समय देते हुए उलट पलट के रोटी के तरीके से सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।